यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट आ जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आज बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक ये बजट 42,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ये अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा। इसका मुख्य फोकस अयोध्या पर रहने वाला है। वहीं अयोध्या के साथ साथ औद्योगिक विकास और किसानों पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के पहले 2022 और 2023 का अनुपूरक बजट लगभग 33,500 करोड़ रुपए का था। पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 8500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट होने वाला है। आपको बता दें, इस बार का मुख्य बजट भी अब तक का सबसे बड़ा बजट था। इस बार के बजट का मुख्य केंद्र बिंदु अयोध्या और तीर्थ विकास परिषदों का विकास हो सकता है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह को देखते हुए उसको भव्य बनाने के लिए इस बजट में तमाम प्रावधान किए जाएंगे। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के पहले और बाद में होने वाले कार्यक्रमों पर विशेष फोकस रहने वाला है। अयोध्या के अतिरिक्त इस बजट में सड़कों के निर्माण पर भी विशेष फोकस रहने वाला है। दिल्ली से चलकर बलिया पहुंचने वाले लोगों के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बीच में काफी ट्रैवलिंग झेलनी पड़ती है। उस कारण इन दोनों के बीच में लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रावधान इस बजट में मिल सकता है। इसके साथ ही फरुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का भी प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में संचालित 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 30 के करीब औद्योगिक गलियारों को बनाने के लिए भी राशि सरकार इस बजट में दे सकती है। इसके साथ ही बच्चों को देने के लिए टेबलेट खरीदने के लिए भी इस बजट का अनुपूरक पूरे बजट में होने वाला है। देखना होगा कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और क्या क्या नए प्रावधान और क्या क्या नए बदलाव इस बजट में होते हैं। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।